लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ग्राम मिश्रवलिया के ग्रामीणों ने खोल दी विकास विभाग की पोल, शर्मसार हुए वीडियो साहब ने। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल विकास खंड के ग्राम मिश्रवलिया में मनरेगा मजदूरों को काम न देने के मामले में गुस्साए मनरेगा मजदूर पहले वीडियो कार्यालय निचलोल पहुंचे और अपनी शिकायत किया। बताया कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक मनरेगा का काम चल रहा था, जब हम ग्रामीण काम करने इस पार्ट पर पहुंचे तो भगा दिए गए। हमें काम नहीं दिया जा रहा है, बाकी लोगों को काम दिया जा रहा है, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी ही मनरेगा मजदूरों को झूठा बताने लगे और विभाग को शर्मसार करने लगे। मजदूरों से ही कहने लगे कि रोजगार सेवक व प्रधान का नंबर नहीं है, नंबर लेकर आओ तो बात करता हूँ। जब ग्रामीणों ने नंबर दिया तो बात नहीं कर रहे थे। ग्रामीण भी जोश खरोश में मानो मूड बनाकर विकास कार्यालय पहुंचे थे कि उन्हें वो भी आज दो दो हाथ कर लेंगे। लगातार खंड विकास अधिकारी काम नहीं हो रहा है कि दुहाई देते रहे, पर मजदूर उनकी बातों को खारिज करते रहे और मौके पर साथ चलकर काम दिखाने की गारंटी रोजगार गारंटी योजना पर देने लगे। विकास अधिकारी की बातचीत से मजदूर बिल्कुल भी संतुष्ट ना हुए। एक पल तो ऐसे लगा कि उन्हें काम से सिर्फ रोजगार सेवक या प्रधान ही नहीं, खंड विकास अधिकारी भी जैसे भगा रहे हो। सबको बंद होना चाहिए ना, सबको तो चल रहा है, सब आदमी चल रहा है ना। जो हिसाब पे दीजिए बोला है, नहीं आप दीजिए नहीं समाधान हो जाएगा। अरे बात तो कर लीजिए। किससे बात? कोई अनाज साहब से। आप बोल रहे हैं नंबर लाओ तो नंबर हम लोग दे रहे हैं, कभी बात नहीं। मैंने बात किया ना, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? किससे मैंने बात किया? मैंने कल से बात किया, मोबाइल से बात कर रहा है। आप बोले क्या बात कर? आप बोले नंबर लाओ। पैसे देना बेशर्मी की हद तब होगी जब नाराज ग्रामीण आग बबूला हो गए और फावड़ा और मिट्टी की ढुलाई करने के सारे उपकरणों को लेकर तहसील का घेराव कर दिया। एसडीएम साहब मौके से नहीं मिले तो गेट पर इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात एसडीएम साहब पहुंचे तो उनकी गाड़ी को घेर लिया, शिकायत किया, आप बीती बताई और शिकायत पत्र भी दिया तो पुनः वह बीडीओ साहब के पास भेज दिया। ग्रामीणों ने दोनों अफसरों से शिकायत किया, उसके बाद घर को गए। इस पूरे शिकायत और प्रदर्शन में घंटों समय लगा। वैश्विक महामारी के इस माहौल में फावड़ा कढ़ाई लिए सैकड़ों मजदूरों का यह जत्था न सिर्फ विकास विभाग की पोल खोलकर रख दिया, बल्कि विकास विभाग के अफसरों का सच भी सामने ला दिया, जो 10 किमी से चलकर आए मजदूरों का दर्द सुनने के बजाय उन्हें ही झूठा साबित करने में लगे रहे। अब जब खुद एक पक्षकार की तरह ग्रामीणों की शिकायत को अफसर इस तरह खारिज करेंगे तो जरा सोचिए उन्हें न्याय और काम कैसे मिलेगा, जी उसमें किस प्रकार से के न्याय की उम्मीद की जा सकती है। वह भी तब जब लगातार मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को काम मुहैया कराने जाने का निर्देश दिया गया हो और दर्जन भर विकास खंड में कार्य न आरम्भ होने के कारण बताओ नोटिस जारी हुई हो। ग्रामीण इलाकों में काम मुहैया कराने के सशक्त निर्देश हों, ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत न होगा कि काम न मिलने या इस पार्ट से कुछ मजदूरों को भगाने वाले रोजगार सेवकों और प्रधानों को ऐसे अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। इस बाबत हमने खंड विकास अधिकारी का इस मामले में प्रतिक्रिया या तो शर्मसार वीडियो ने नजर झुकाई और रटी रटाई बात कह अपने दायित्वों की पूर्ति कर लिया। तहसील सब परिसर में गए तो वहाँ से मतलब एसडीएम साहब के न मिलने के कारण यहाँ पे आके खंड विकास
प्रेशर में आए हैं, इस मामले में क्या काम है आपको? अप्लीकेशन प्राप्त हुआ है इन लोगों का, जांच करके आपसे कनेक्ट की जाएगी, इन लोगों को नरेगा के अंदर कर दिया जाएगा। क्या आरोप है इस मनरेगा मजदूर का? लोगों का यही आरोप है कि वहाँ से हमें आज काम हो रहा था, काम पर गए हम लोग, काम नहीं मिला। मैंने इन लोगों को आश्वस्त किया कि 3 दिन करके जो है जिस तरह आंखें शर्मसार वीडियो साहब की हो रही थी और कैमरे से छुप रही थी, वास्तव में कुछ न कुछ कहकर बहुत कुछ कह गई। पर उम्मीद यह है कि उनकी आंखों की तरह अगर उनका ईमान भी सच कह जाता तो इस विभाग के करीब 99% रोजगार सेवकों व प्रधानों की कलई खुल जाती और बड़े पैमाने पर विकास विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हो जाता। अक्सर ऐसा होता नहीं है, पर इस उम्मीद के साथ हमें भी आस है कि इस तरह ग्रामीणों का तहसील से ब्लॉक तक का घेराव व प्रदर्शन सभी तो नहीं पर उसकी कलई जरूर खुलेगी, जिसके विरुद्ध यह ग्रामीण एकत्रित हुए थे। क्या नाम है आपका? किस लिए यहाँ पे आप लोग धरना दिए हैं? लोग नरेगा काम कर गए ना, नरेगा से खदेर देतना गाड़ी देतना पता नहीं हाँ कहाँ पर वो लोग आए हैं, जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता था। अच्छा, यहाँ तहसील पे आकर आप लोग घेराव किए हैं तहसील का? प्रधान जी गाली गुप्ता भी दिए? हाँ, प्रधान जी गाली भी दिया। और ये लग्गी का हाथ मिली है? लग्गी है, लग्गी से नाप के देता हूँ, 3 लग्गी से काम कर पाई मेहरारू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश है। आज तहसील पे किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? लोग धरना दिए है काम के लिए आए थे, काम बोला है कि नहीं काम करना है। कौन बोला है? हर नारायण बोले हैं। नरेगा में गए थे काम करने? नरेगा में गए थे। हाँ, तो क्या कहा है? नारायण वो बोला है कि काम करना है तो करो, जाओ हमारा कुछ कर नहीं। कौन सी शब्द है आप बताइए सर? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ घर है आपका? मिश्रौलिया घर है। किस बात के लिए यहाँ धरना दिए आप लोग? हम लोग इस बात के लिए धरना दिए हैं सर, हमारे रोजगार जितना आता है वो एक भी कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है उसको बंद कर दिया दिए हैं सर। हम लोग राशन कार्ड को पैसा लगता है, पैसा लगा करके राशन कार्ड को छोड़ा रहे हैं सब राशन। और नहीं तो गए थे नरेगा में दिहाड़ी करने के लिए तो 3 लग्गी नाप करके दे रहे हैं सब काम करने के लिए। वो किसी से हो पाएगा उतना? इसीलिए हम लोग यहाँ आए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलो से राजेंद्र यादव की रिपोर्ट।